Perfect. Perfect. वो जो आप चाट की दुकान पर जो बड़े बड़े चाट के शोरूम्स होते हैं वहाँ देखते हैं ना, कटोरी चाट मिलती है एकदम स्पेशल, कुरकुरी करारी खाकर मजा आ जाता है, बस बिल्कुल वैसे ही बल्कि और भी बढ़िया कटोरी चाट आज हम बनाएंगे, जिसे आप टोकरी चाट भी बोलते हैं। एकदम आसान तरीके से एक बार बना लीजिए, पूरे महीने आप तुरंत तुरंत 5-5 मिनट में कटोरी चाट बनाकर कभी भी सर्व कर सकते हैं। और इस एक चटपटी कटोरी चाट में आपको मिलेंगे पूरे 5-5 चाट के फ्लेवर, पापड़ी चाट का, आलू चाट का, मटर छोले चाट का, दही भल्ला चाट का, दही पापड़ी चाट का, दही पूरी चाट का और राज कचौड़ी चाट का। मजा आ जाएगा एक ही को खाकर। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूँ पारुल, कुक विद पारुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चटपटी मजेदार मुंह में पानी ला देने वाली कटोरी चाट बनाने के लिए सबसे पहले आप लीजिए एक बड़ा बर्तन। इसमें हम लेंगे 1.5 कप मैदा। मेजरमेंट के लिए कोई भी कटोरी या घर का चाय वाला कप सेट करना है, उसी अनुसार सारा मेजरमेंट आप कर सकते हैं। 1 कप मैदा और ये हो गई 1/2 कप मैदा, यानी उसी कप से 1/2 कप। वजन से बोलो तो लगभग 200 ग्राम के करीब मैंने मैदा ली है। अब हमारी कटोरी चाट की कटोरी जो हम पहले बनाने वाले हैं उसको हमें बनाना है सुपर क्रिस्पी और मजेदार। तो उसके लिए मैं यहाँ डाल रही हूँ 1/2 कप सूजी, यानी उसी कटोरी या कप से आप 1/2 कप सूजी लें, फाइन वाली, बारीक वाली। अगर बारीक नहीं हो तो कोई परेशानी नहीं, जो भी सूजी आपके पास है मिक्सी में एक बार चला लें और उसको बारीक कर लें, जिससे कि जो कटोरियां बनेंगी ना वो काफी कुरकुरी और मजेदार बनेंगी। अब यहाँ पर सूजी डालना पूरी तरह ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे पूरी तरह मैदा से भी बना सकते हैं या गेहूं के आटे से भी बनाई जा सकती है, लेकिन ट्रेडिशनली और जो चाट की दुकान पर आप खाते हैं वो इसी प्रकार बनाई जाती है। अब आप इसमें डालें 1 छोटी चम्मच नमक स्वादानुसार, 1/2 छोटी चम्मच अजवाइन, अजवाइन से इसमें बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। अब इसे खस्ता कुरकुरी बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे 4 बड़ा चम्मच ऑयल, आप घी भी डाल सकते हैं, इससे खस्तापन आएगा और कुरकुरापन बढ़ेगा। तो पूरे 4 बड़े चम्मच हम ऑयल डाल देंगे मोइन के लिए। अब सभी चीजों को अच्छी तरह पहले मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद आप इस तरह मुट्ठी बांधकर देखें कि ये बन रहा है या नहीं। जैसे अभी आप देख रहे हैं नहीं बन गया, इसका मतलब इसमें जो हमने ऑयल डाला है मोइन की मात्रा बिल्कुल परफेक्ट है। अगर नहीं बंधे, बिखर रहा हो तो थोड़ा सा ऑयल और डाल लें। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके पानी और इसका एक सेमी सॉफ्ट आटा लगाएंगे, ना बहुत ज्यादा कड़ा ना बहुत ज्यादा मुलायम। ये देखिए मैंने बिल्कुल स्मूथ आटा इसका लगा लिया है। अब इसको हम रख देंगे लगभग 10 मिनट के लिए रेस्ट पर, जिससे कि जो सूजी वगैरह हमने डाली है बढ़िया से फूल जाए, आटा एकदम स्मूथ सेट हो जाए। 10 मिनट हो गए हैं और ये देखिए आटा बिल्कुल परफेक्ट सेट हो गया है। एक बार और आटे को अच्छे से मसल लेंगे और एक सार कर लेंगे। और आटे को इस तरह से एक सार करने के बाद आप लीजिए 1 छोटी लोई, लगभग ऐसे पूरी से थोड़ी सी बड़ी और रोटी से थोड़ी सी छोटी, कुछ इस प्रकार की। क्योंकि हम कटोरी बना रहे हैं ना, तो उसका जो साइज रहेगा वो ना तो रोटी जितना बड़ा होगा ना ही पूरी जितना छोटा, थोड़ा मीडियम। और इस तरह लोई को स्मूथ कर लें। अब आप लें एक चकला या प्लेटफॉर्म पर भी कर सकते हैं, कुछ बूंद हम डालेंगे ऑयल की और चकले को एकदम चिकना कर लेंगे। आप लें ये वाली लोई और इस तरह से हम इसको मीडियम थिकनेस का बेल लेंगे, ना ही बहुत ज्यादा पतला ना ही बहुत ज्यादा मोटा। सामान भी सब आपके घर में ही है तो इजीली इसको बना के रखा जा सकता है। बिल्कुल इस प्रकार का आप इसको बेल लें। देखिए रोटी से थोड़ा सा छोटा है, पूरी से थोड़ा बड़ा है और बिल्कुल देखिए ये थिकनेस रहेगी। मैं पास से भी दिखा देती हूँ आपको, क्योंकि हम बना रहे हैं कटोरी और कटोरियां बनाते वक्त फूले नहीं, तो उसके लिए यहाँ पर एक फोक लीजिए या नाइफ और इस तरह से छेद कर दीजिए, यानी प्रिक कर दीजिए, बहुत ही जरूरी। वरना क्या होगा कि जब आप कटोरी बनाएंगे तो वो फूली फूली बन जाएंगी, वो प्रॉपर कटोरी नहीं बन पाएंगी, तो इसको जरूर करना है। हम बना रहे हैं कटोरी चाट, तो भाई कटोरी तो हमें लेनी ही पड़ेगी। तो ये है स्टील की कटोरी, हम सभी के घर में रहती है, नॉर्मल साइज वाली आप ले लें। और कटोरी के बैक साइड पे डालिए जरा सा ऑयल, एक बूंद, और पूरा इस तरह से ग्रीस कर लीजिए, जिससे कि जब हम कटोरी बनाएं तो वो पापड़ी कटोरी आसानी से निकल जाए। और इस तरह चिकना करके आप रखिए इस तरह से कटोरी। अभी जो हमने ये बेला है इसके ऊपर इस तरह से डालेंगे, देखिए इस तरह से डाल दिया। अब आप उठाइए कटोरी को और इसको सब तरफ से हम अच्छे से दबाते हुए इसको बंद करेंगे। पूरा कटोरी के साइज की ही हमारी पापड़ी कटोरी तैयार होगी, बिल्कुल ऐसे। बीच बीच में देखिए इस तरह के फोल्ड्स भी आएंगे, क्योंकि आप कटोरी बना रहे हैं ना, तो इस तरह के
फोल्ड्स आएंगे, यूं दबा दें, देखिए इस तरह से हो गई। अब ये थोड़ा सा ऊपर निकल रहा है तो या तो हाथ से हटा दें या आप नाइफ से इसको इस तरह कट करके निकाल दें और बैलेंस कर दें। और बैक साइड क्योंकि हमने हाथ से प्रेस किया है तो एक बार और आप इसे ठीक से प्रिक कर दीजिए जिससे बिल्कुल ना फूले। ये देखिए कितनी बढ़िया लग रही है ना, एकदम आसान तरीका। एक और ट्रिक बताऊंगी, ये तो है कटोरी का तरीका, एक और मैं भी आपको इजी ट्रिक बताऊंगी, चाहे तो आप ऐसे बना सकते हैं। चलिए तो मैं दूसरा इजी तरीका और बता देती हूँ। लीजिए एक लोई, इसको हम बेलेंगे मीडियम थिकनेस का और इस तरह बेल करके पहले हम प्रिक करेंगे। अब आप लीजिए एक गिलास बूंद ऑयल की डालिए और ग्लास को करिए ग्रीस। ये बहुत आसान हो जाता है, आप इस तरह भी बना सकते हैं। ग्लास को उल्टा करके इस तरह रखिए और जहां से हमने ग्रीस किया वहां पर पूड़ी को इस तरह डालेंगे और इसको भी प्लेट्स देते हुए, जैसे साड़ी की प्लेट्स होती है ना, बस वैसे ही आप इसको सजा लें और इसकी टोकरी बना लें। है ना आसान तरीका। और कर दें प्रेस सब तरफ से, फिर से थोड़ा सा प्रिक कर दें, परफेक्ट। अब आप गैस पर चढ़ाएं कढ़ाई और कढ़ाई में लें कुकिंग ऑयल और ऑयल को मीडियम फ्लेम पर बढ़िया गर्म कर लें। ऑयल में से अच्छी हीट आ रही है। अब ऑयल में हम एक छोटा सा आटे का टुकड़ा डालकर देखेंगे। ये देखिए बहुत तेज गर्म नहीं है, देखिए पहले बबल्स आ रहे हैं, धीरे धीरे ये ऊपर आएगा। ऐसा ही गर्म हमें ऑयल चाहिए। बहुत तेज में डालेंगे तो क्या होगा, हमारी कटोरियां एकदम से जल जाएंगी, तो इस बात का ध्यान रखेंगे फ्लेम को, जो ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए लो मीडियम कर दें। अब हम धीरे से कटोरी को इस तरह से सिकने के लिए डालेंगे, बस इस तरह से हल्का हल्का ऑयल साइड से भी डाल देंगे और इजीली आप इसे बना करके पूरे एक महीने के लिए स्टोर करके सारी कटोरियां रख लें। और फिर जैसे चाहें कभी आप कटोरी टिक्की चाट बनाइए, कभी कटोरी दही भल्ला बनाइए, इसके अंदर मन चाहे तरीके से सर्व कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि हमारी कटोरी चाट की कटोरी देखिए किस तरह से बन रही है, अपने आप ही स्टील वाली कटोरी नीचे की पापड़ी कटोरी को छोड़ रही है और पूरी कटोरी इस तरह ऊपर आ जाएगी। है ना कितना आसान तरीका। तो बस इस स्टेज पर जब कटोरी स्टील की ऊपर आने लगे आप ले एक चिमटा यानी कि टोंग और इस तरह से कटोरी को निकाल लें। ये देखिए और जो ऑयल कटोरी भी था वो इसके अंदर ही हम डाल देंगे। है ना कितना आसान तरीका। ऑयल अंदर डालने से जो अंदर का पोर्शन है कटोरी का वो भी बिल्कुल बढ़िया से सिक जाएगा। अब आप इजीली दोनों साइड से गोल्डन आप इसे फ्राई कर लें। और अब हम कटोरी को धीरे से पलट देंगे। ये देखिए वाव, एकदम बढ़िया हमारी गोल्डन कटोरी चाट की कटोरी तैयार हुई है। लग रही है ना एकदम बढ़िया। नीचे से भी इसको बढ़िया गोल्डन फ्राई कर लेंगे। क्रिस्पी कुरकुरी कटोरी चाट के लिए कटोरी है बिल्कुल तैयार। तो बस एक टोंग से यानी चिमटे से आप इस तरह इसको निकाल लें। ये देखिए एकदम परफेक्ट, सब तरफ से क्रिस्पी करारी क्रंची। अभी तो बहुत गर्म है, ठंडी होने पर ये बिल्कुल करारी आपको पता चलेगी। अब मैं आपको दिखाती हूँ गिलास वाला तरीका। जो हमने गिलास लिया उसको धीरे से इस तरह रखें और सिकने दें। आप हाथ से भी पकड़ सकते हैं क्योंकि ग्लास बड़ा होता है और जैसे ही ये इसको छोड़ेगा हम ग्लास को हाथ से ही निकाल लेंगे। है ना आसान तरीका, चाहे तो छोड़ भी सकते हैं। तो हमारे लिए निकालना बहुत आसान हो जाएगा। साइड साइड से इस तरह थोड़ा सा ऑयल डालें सिकने के लिए और बस ये ग्लास को रिलीज कर देगी। फ्लेम को लो रखें तो आपको हीट भी महसूस नहीं होगी। देखिए पूरा निकल गया ना, है ना कितना आसान तरीका। थोड़ा सा ऑयल इसके अंदर भी डाल देंगे और इसको दोनों साइड से बढ़िया क्रिस्पी फ्राई होने देंगे और कटोरी को पलट देंगे। और ये लीजिए हमारी ग्लास कटोरी भी है परफेक्टली बिल्कुल तैयार, बिल्कुल डलिया लग रही है ना। ये देखिए सुपर, देखने से ही पता चल रहा है कि कितनी खस्ता और कुरकुरी होगी। और ये देखिए हमारी कटोरी चाट के लिए क्रिस्पी क्रंची कटोरियां हैं बिल्कुल तैयार, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं। ये देखिए इसका क्रिस्प, अंदर तक बढ़िया गोल्डन सिकी हुई, एकदम खस्ता। इस तरह से आप खूब सारी कटोरियां फटाफट फटाफट बना सकते हैं और इनको जब ये ठंडी हो जाए एयर टाइट बॉक्स में भर करके रख लीजिए। जब मन करे आपको चाट का, चाहे आलू चाट, चाहे आलू कटोरी चाट बनाइए,
जितनी क्वांटिटी मैंने ली थी उसमें लगभग आप 30 के करीब ये कटोरी तैयार कर सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं कटोरी चाट एकदम चाट वाली दुकान जैसी। तो चलिए सबसे पहले बनाते हैं अपनी कटोरी चाट की जबरदस्त वाली टेस्टी स्टफिंग। तो उसके लिए आप लीजिए एक बोल और उसमें मैं ले रही हूँ 2 मीडियम साइज के उबले हुए आलू जिनको मैंने रफली कट कर लिया है थोड़े बड़े बड़े पीसेस में। ये मैंने लिया है 1 कप उबला हुआ काबुली चना। यहाँ पर असेंबलिंग के लिए आप अपने तरीके से कोई भी स्टफिंग तैयार कर सकते हैं, मैं वो बता रही हूँ जो जनरली मार्केट में होती है। तो बस चना को रात को भिगो दें और सुबह में कुकर में सीटी लेकर के इस तरह उबाल लें। ये सारी फिलिंग मैं एक साथ तैयार कर रही हूँ, इससे क्या होगा कि जब आप कटोरी चाट सर्व करेंगे तो जल्दी जल्दी कटोरियों में आप उसको लगा सकते हैं, क्योंकि एक एक को असेंबल करने में समय भी लगता है और फिर जब ऊपर से चीजें डालते हैं तो वो पूरा स्वाद निकल कर नहीं आता। एक बार बना लीजिए पूरी स्टफिंग तो जब आप वो कटोरियों में सर्व करेंगे तो बिल्कुल एक साथ एक जैसा फ्लेवर पूरी चाट में आएगा। अब मैं डाल रही हूँ इसमें 3 से 4 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 4 बड़े चम्मच बारीक कटी हुई प्याज। अगर आप प्याज वगैरह नहीं खाते तो आप ना डालें, कोई परेशानी नहीं, इसमें अपने मन चाहे तरीके से आप कोई भी चीज डाल सकते हैं। ये मैंने लिया टमाटर, तो बारीक कटा हुआ टमाटर भी 4 चम्मच डाल देते हैं, 1 छोटी चम्मच नमक और अब जाएगा इसमें थोड़ा सा काला नमक। काला नमक चाट वगैरह में बहुत ही बढ़िया लगता है, ऑप्शनल है, अगर हो तो डालिएगा, नहीं है तो इसके बगैर आप तैयार कर सकते हैं। 1 छोटी चम्मच भुना जीरा पाउडर, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर। ये सब चीजें चाट में जो टेस्ट देंगी ना, मजा आ जाएगा खाकर। अब जैसे मैंने यहाँ काबुली चना लिया है, आप काबुली चना की जगह काला चना भी यूज कर सकते हैं, उबला हुआ, उबली हुई सफेद वाली जो मटर होती हैं, जो सूखी वाली होती हैं, उनको भी यूज किया जा सकता है। किसी भी तरीके का दाल का स्प्राउट, काले चने का स्प्राउट भी यूज कर सकते हैं, वो आपके ऊपर, आप अपनी चॉइस के अनुसार इसमें चेंजेस कर सकते हैं। 1 छोटी चम्मच चाट मसाला, अगर चाट मसाला ना हो तो यहाँ आप आमचूर पाउडर यूज कर सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे चाट की जान दही, तो ये मैंने लिया है फिटा हुआ दही, तो लगभग 2-3 चम्मच आप इसमें डाल दें, जिससे कि जब आप कटोरी चाट खाएंगे ना तो पूरा फ्लेवर चाट का आएगा। अब डालेंगे हरे धनिया की चटनी। हरे धनिया की चटनी कैसे बनाएं, इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अब जाएगी इसको खट्टा मीठा फ्लेवर देने के लिए मीठी सौंठ, यानी गुड़ इमली की चटनी। सौंठ की रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उसको जरूर देखें। और अब डालते हैं 1 छोटी चम्मच नींबू का रस, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। चाट वगैरह में तो जब तक हरा धनिया वगैरह अच्छे से ना हो मजा नहीं आता। सभी चीजों को अच्छे से कर दें मिक्स। बहुत ही बढ़िया हमारी फिलिंग तैयार हुई है, आपको इसको बनाते बनाते वक्त तक खाने का मन कर जाएगा। तो चलिए करते हैं कटोरी चाट की चाट वाली दुकान जैसी असेंबलिंग यानी फिलिंग। तो सबसे पहले कटोरी में डालेंगे हमारी चटपटी फिलिंग। अब देखिए कितना फास्ट हम इसको कर पाएंगे, क्योंकि हमने फिलिंग को पहले ही तैयार किया हुआ है ना, तो हमारी कटोरी चाट फटाफट तैयार हो जाएगी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ क्रंची बूंदी, वो जो रायते वाली बूंदी होती है ना, बस वही ले लीजिए। आपके पास अगर वो ना हो तो यहाँ पर आपके पास अगर घर में चिप्स पड़े हो तो चिप्स को क्रश करके डाल दीजिए, पानी पूरी हो घर में तो आप वो पानी पूरी को क्रश करके डाल दीजिए, कुछ भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। अब इसको और भी चटपटा मजेदार बनाने के लिए मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा चाट मसाला ऊपर से, थोड़ी लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर भुना हुआ जीरा, थोड़ा सा नमक अपने टेस्ट के अनुसार, आ रहा है ना आपके भी मुंह में पानी। और अब इसमें डालेंगे फिटा हुआ दही, थोड़ा सा डालिए इस तरह से बीच में, थोड़ा सा इधर से, थोड़ी सी हरी चटनी इस तरह डालें, थोड़ी सी मीठी वाली सौंठ। मतलब ऐसी चाट है कि आपको इसको बनाते बनाते वक्त तक मुंह में पानी आ जाएगा, साथ में बनाने में भी बहुत मजा आएगा। डाल देते हैं थोड़ा सा बारीक कटा हुआ टमाटर, थोड़ी सी बारीक कटी हुई प्याज, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, एकदम चटपटी बननी चाहिए। और अब इसमें जाएगी चाट की जान बारीक वाली सेब, जो आप भेलपुरी वगैरह में यूज करते हैं ना, वैसी मैंने वो ली है। और देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं। फाइनली इस पे जाएगा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और थोड़े से अनार के दाने। और ये लीजिए बिल्कुल तैयार है हमारी बहुत बहुत टेस्टी, मुंह में पानी ला देने वाली कटोरी चाट। जो खाए वही तारीफ करे, बहुत बहुत बढ़िया। 5-5 चाट का फ्लेवर आपको एक ही कटोरी चाट में मिल जाएगा। पापड़ी चाट, आलू चाट,
राज कचौड़ी चाट, चना चाट, समोसा चाट, सभी तरीके की चाट का मजा लीजिए एक ही कटोरी चाट में। कटोरियों को बनाकर रख लीजिए, फिर मन चाहे किसी भी वर्जन में आप चाट को तैयार कर सकते हैं। जैसे आप इसी कटोरी में दही भल्ला भी सर्व कर सकते हैं, तो बन गई आपकी दही भल्ला कटोरी। इस तरह से बना करके कभी भी एंजॉय कीजिए बाजार वाली चटपटी चाट घर में ही। और ये रही मेरी दोने वाली कटोरी चाट, लग रही है ना बिल्कुल चाट वाली दुकान जैसी, खाने में भी बहुत ही बढ़िया। और अब मुझे भी रुका नहीं जा रहा है, तो मैं एंजॉय करती हूँ इस बारिश के मौसम में चटपटी कटोरी चाट को। आप भी बनाइए और एंजॉय कीजिए, इस तरह खाते जाइए, साथ में इसको कट करते जाइए, मजा आ जाएगा खाकर। सुपर्ब, वाओ, एक बार तो जरूर बनाइएगा। अगर आपने एक बार इसको खा लिया तो आप इसके दीवाने हो जाएंगे। जरूर बनाइए, मुझे अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये स्पेशल कटोरी चाट की रेसिपी इस त्योहार के लिए कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज 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 ढेर सारे लाइक कीजिए, सभी फैमिली फ्रेंड्स वीडियो साइट पर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और इसी तरह अपना प्यार मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी जरूर दें। सभी रेसिपीज की डिटेल्स आप मेरी वेबसाइट cookwithparul.com पर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल। जय हिंद, जय भारत।